स्मार्ट होना चाहिए, मेंटली काफी स्मार्ट होना चाहिए, ठीक है. एंड देन आई वुड लुक फॉर गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, थोड़ा बहुत फनी हो तो सही है. प्लस हार्डवर्किंग हो, मतलब हार्डवर्किंग हो, सपोर्टिव हो, क्योंकि मैं खुद बहुत हार्डवर्किंग हूँ, तो आई वुड लाइक समवन की जो मुझे सपोर्ट करे, जो मैं खुद करना चाहती हूँ. तो ऑन 5 ऑनेस्ट व्यूज देने हैं, ठीक है, उर्फी जावेद पे, कि तुम्हारा क्या टेक होगा. उर्फी जावेद तो मतलब तुम्हें लग गया होगा कि किस टाइप का कंटेंट ये क्रिएट कर रही है. तुम्हारा क्या टेक है उर्फी जावेद पे? 5 रेड एंड ग्रीन फ्लैग्स इन अ गाय आउट ऑफ 10 स्केल, तुम लुक वाइज उर्फी को कितना पॉइंट देना चाहोगे? मोस्ट ओवररेटेड इंडियन इन्फ्लुएंसर, मतलब माय पर्सनल ओपिनियन, बट आई फाइंड मोस्टली सेम कंटेंट लिटिल बट यूजलेस. आई थिंक मतलब आई डोंट फाइंड हर कंटेंट फनी एट ऑल, मतलब मेरे को तो फनी नहीं लगता वो किसी एंगल से. एंड आई डोंट नो, बट मेरे को अच्छा नहीं लगता वो कंटेंट. व्हाट्स द क्रेजीएस्ट थिंग यू हैव एवर डन टू इंप्रेस समवन यू लाइक्ड? मलिका, नेक्स्ट क्वेश्चन, आर यू ऑन टिंडर और बंबल? तो लोगों ने परसेप्शन बना रखा है कि मतलब खासकर लड़कों ने कि मतलब अगर कोई एक्सवाईजी पर्सन है, मैं मतलब जेंडर जनरलाइज नहीं कर रहा, कि मान लो लड़की है तो लड़की सबसे पहले पैसा देखती है, फिर बाकी सारी चीजें सेकेंडरी होती है. तो इस पर क्या टेक है तुम्हारा? सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक और नई कॉन्वर्सेशन में. आज की ये जो कॉन्वर्सेशन है ना, बहुत ही ज्यादा डीप है. आज के इस कॉन्वर्सेशन में हमने बहुत सारी बातें करी है मल्लिका गोयल के साथ, जो अभी माइक्रोसॉफ्ट में है, एज एन SD काम कर रही है पिछले 2 साल से. आज के इस वीडियो की जो थीम है ना, वो है व्हाट एंड व्हाई. हम लोगों की लाइफ में इन डेप्थ जा रहे होंगे, उनके माइंडसेट के बारे में बात करेंगे, उनके लाइफ जर्नी के बारे में बात करेंगे, उनके इंटरेस्ट के बारे में बात करेंगे, और उनके फ्री फ्लोइंग जो ये कॉन्वर्सेशन है ना, इसमें हम उनके माइंडसेट में क्या चल रहा है इसके बारे में बहुत सारी बातें करेंगे. बहुत ही फ्री फ्लोइंग कॉन्वर्सेशन है. आई होप आपको इस कॉन्वर्सेशन से बहुत मजा आएगा. मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप आज की वीडियो एंड तक देखें. इतना एश्योरेंस दे सकता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको बहुत चीजें सीखने को मिलेंगी, और बहुत चीजें सामने वाले इंसान के बारे में जानने को मिलेंगी. तो बिना देरी के कॉन्वर्सेशन में जाते हैं और बात करते हैं मल्लिका गोयल के साथ. सबसे पहले थैंक यू सो मच मल्लिका, आपने अपना बिजी स्केड्यूल में से टाइम निकाला और आप चैनल पर आए हो. नो, इट्स फाइन, इट्स माय प्लेजर टू कम ऑन योर चैनल. और कैसे हो आप? अच्छी हूँ. सो इट्स माय फर्स्ट इंटरव्यू. जनरली मैंने अभी तक कोई इंटरव्यू दिया नहीं है, सो इट्स माय फर्स्ट इंटरव्यू, वो भी कैजुअल इंटरव्यू है. मल्लिका का ये पहला कैजुअल इंटरव्यू है. कैजुअल मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि हम काफ़ी सारे वीडियोज़ में हम प्रिपरेशन से रिलेटेड बातें करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मेरा ये मानना है कि लोगों को इतनी अवेयरनेस है कि क्या प्रिपेयर करना है क्या नहीं करना है. तो मैंने सोचा कि क्यों ना लोगों के माइंडसेट के बारे में बात करते हैं, लोगों के परसेप्शन के बारे में बात करते हैं, लोग सोचते कैसे हैं उसके बारे में बहुत सारी बातें करते हैं. तो मल्लिका, आज के इस वीडियो को मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्चुलाइज कर देता हूँ कि आज के वीडियो का कॉन्सेप्ट क्या रहने वाला है. कि मैं तुम्हें ना लाइक बहुत सारे फोटोग्राफ्स दिखाऊंगा, ठीक है, अपने 5 व्यूज शेयर करने हैं, 5 पॉइंट शेयर करने हैं. वो नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं. और वीडियो का एक डिस्क्लेमर है कि ये भी जो व्यूज़ होंगे वो पूरी तरह से एक आप इसको एज अ एंटरटेनमेंट ले सकते हो, कोई भी किसी को सेंटिमेंट्स किसी के हर्ट नहीं होने वाले. ओके, तो मल्लिका, आप वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप अपने बारे में थोड़ा सा बता दो. लाइक मैंने तो बहुत सारी चीज़ें बता दी कि आप कहाँ से हो बेसिकली, और अभी क्या कर रहे हो, और आगे का क्या प्लान है. ओके, सो बेसिकली मैं कानपुर से हूँ, यूपी से.
एंड देन आई डिड माई ग्रेजुएशन फ्रॉम NIT दिल्ली फ्रॉम इलेक्ट्रिकल ब्रांच. एंड वहाँ से मेरा कॉलेज प्लेसमेंट हुआ था सैमसंग में, बट देन आई स्विच टू माइक्रोसॉफ्ट एंड आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर हियर. या दिस इज अबाउट मी. एंड मोस्टली आई हैव इंटरेस्ट इन डांस, लिटिल बिट बिजनेस नॉलेज एंड ऑल. सो शार्क टैंक इज माई फेवरेट शो नाउअडेज. ओके, शार्क टैंक से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछ लेंगे, लेकिन स्टार्ट करता हूँ मैं. मैं पहले स्टार्ट करूंगा कि MS धोनी, विराट कोहली, किसको चूज करोगे? विराट कोहली. ऐसा क्यों? मतलब उसके गेम में थोड़ा अग्रेशन होता है, थोड़ा एनर्जी ज्यादा लगता है, तो मजा आता है देखने में भी. इसमें दो क्वेश्चन है. पहला क्वेश्चन कि पर्सनालिटी वाइज काम के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो आलिया भट्ट और अनुष्का शर्मा से किसको प्रिफर करोगे? एक्चुअली दोनों ही बहुत अच्छी एक्ट्रेसेस हैं. आलिया भट्ट ने भी काफी अच्छा ग्रो किया है. इनिशियली मे बी उतना अच्छा एक्टिंग नहीं था, बट ओवर द टाइम पीरियड काफी इम्प्रूव किया एक्टिंग में. एंड अनुष्का शर्मा का एक्टिंग मुझे स्टार्टिंग से ही काफी सही लगता था. मतलब आई हैव फॉलोड मोस्ट ऑफ द मूवीज जो अनुष्का शर्मा की है, तो लाइक पर्सनल दोनों अच्छी लगती है मेरे को. अनुष्का शर्मा की लास्ट मूवी कौन सी देखी थी? लास्ट मूवी याद नहीं आ रही. उनकी मूवी आए हुए भी बहुत टाइम हो गया एक्चुअली. मैं रिपीट मोड पे ही देखती रहती हूँ. आई थिंक रिकी लेडीज वर्सेस रिकी बेल. लेडीज वर्सेस रिकी बेल, मतलब वो मैं पहले भी देख चुकी थी, बट दोबारा देखती हूँ. अच्छा, दोनों में से किसी एक को चूज करना पड़े, अगर मैं यूं कहूँ कि मलिका तुम्हें एक चॉइस है कि तुम एक को चूज कर सकती हो कि किसके साथ तुम काम करना चाहोगे, तो किसके साथ काम करना चाहोगे अगर मौका मिले? काम करने काम क्यों करने को मिलेगा, पहली बात तो ये है. बट एक ऐसा केस ले लेता है. So I will choose अनुष्का शर्मा because वो मुझे ज़्यादा genuine, candid लगती है. मतलब जब भी मतलब public में भी होती है तो उनके conversations more of casual लगते हैं, कि as a like general person मतलब convey करेगा अपने thoughts. And also like she's self-made, right? मतलब वो उनका कोई Bollywood background नहीं था as such, and उन्होंने खुद के struggle से she is what she is today. अनुष्का शर्मा, विराट कोहली, तो कौन सा फेवरेट कपल होगा? अनुष्का शर्मा एंड विराट कोहली विल बी फेवरेट. इट्स माय फेवरेट कपल. कौन सा फेवरेट है? मतलब अभी करंट स्टेज पे तो कोई भी नहीं है, बट एज अ चाइल्डहुड, मतलब चाइल्डहुड में शाहरुख खान वॉज माई फेवरेट. Like, जब पुरानी मूवीज देवदास एंड ऑल आती थी, हम आपके हैं कौन, हम दिल दे चुके सनम टाइप, उस टाइम पे शाहरुख खान वाज माय फेवरेट. अच्छा अच्छा, वैसे डू यू बिलीव इन ट्रू लव और लव एट फर्स्ट साइट? क्योंकि ये क्वेश्चन इस वजह से पूछा मैंने क्योंकि शाहरुख खान को पसंद कर दो ना. हाँ, मतलब आई डोंट बिलीव इन ट्रू लव एज सच. लाइक यू जनरली यू स्पेंड टाइम टुगेदर एंड देन यू लाइक मतलब बेसिकली टाइम स्पेंड करने से यू फॉल इन लव. आई फील दिस थिंग लव एट फर्स्ट साइट में आई डोंट बिलीव दैट मच. जब तक किसी को जानोगे नहीं, पहचानोगे नहीं, प्यार कैसे होगा फिर? तो लाइक बाहर से जो इंसान जैसा दिख रहा है उससे प्यार हो गया, ऐसा थोड़ी होता है. अच्छा, जैसे मैंने वीडियो में बिगनिंग में बोला था कि माइंड सेट के बारे में बहुत सारी बातें करेंगे, तो लोगों ने परसेप्शन बना रखा है कि मतलब खासकर लड़कों ने कि मतलब अगर कोई एक्सवाइजी पर्सन है, मैं मतलब जेंडर जनरलाइज नहीं कर रहा, कि मान लो लड़की है तो लड़की सबसे पहले पैसा देखती है, फिर बाकी सारी चीजें सेकेंडरी होती है, तो इस पर क्या टेक है तुम्हारा? मतलब आजकल तो मोस्ट ऑफ द लड़कियों जिनको मैं जानती हूँ, दे कैन अर्न, राइट? मतलब दे आर ऑलरेडी अर्निंग, तो आई डोंट थिंक पैसे के लिए शादी करेंगी. और प्लस पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, राइट? जेंडर से हम किसी को वो नहीं कर सकते क्लासिफाई कि कौन कैसा है कौन कैसा नहीं है. बेसिकली पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है. मे बी किसी फीमेल की हो सकती है ऐसी थिंकिंग, कोई मैन मैन की भी ऐसी थिंकिंग हो सकती है किसी भी. तो इट डिपेंड्स ऑन पर्सन एंटायरली बेसिकली. अच्छा, अगर मैं तुमसे पूछूं तुम्हारा क्या पर्सपेक्टिव रहता है, तुम्हारा क्या माइंडसेट रहता है? मैं तो खुद ही कमा रही हूँ अभी ठीक ठाक, तो मेरे को पैसे वाले की तो जरूरत है नहीं. और आई बिलीव कि मतलब अगर मेरे को कुछ चाहिए तो मैं मेहनत करके आई कैन गेट दैट. एंड वो जो खुद की मेहनत से किया हुआ होता है ना, उसकी वैल्यू अलग ही होती है. मतलब वो प्राइसलेस होता है. अच्छा,
अगर आप अपनी मेहनत से कुछ अचीव करो तो वो कॉन्फिडेंस आता है और मतलब रिस्पेक्ट आती है, वो हैप्पीनेस शायद आपको दूसरे के दिए हुए चीज से शायद ना मिले। चलो ये जो मनी वाला फैक्टर ये हटा देते हैं, और क्या देखते हैं लड़कियां, क्या देखते हैं खासकर सामने वाले इंसान में? यार सब लड़कियां का तो कैसे बता सकती हूँ, मैं अपना बता सकती हूँ। तो स्मार्ट होना चाहिए, मेंटली काफी स्मार्ट होना चाहिए, ठीक है। एंड देन आई वुड लुक फॉर गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, थोड़ा बहुत फनी हो तो सही है। प्लस हार्डवर्किंग हो, मतलब हार्डवर्किंग हो, सपोर्टिव हो, क्योंकि मैं खुद बहुत हार्डवर्किंग हूँ, तो आई वुड लाइक समवन की जो मुझे सपोर्ट करे जो मैं खुद करना चाहती हूँ। एंड आई एम वेरी एम्बिशियस, तो इफ समवन इज सपोर्टिव लाइक दैट इज अ प्लस, राइट? तो आपको एंकरेज करे, सपोर्ट करे, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपको ग्रो करने के लिए। तो दैट इज, दैट आर द क्वालिटीज विच आई विल लुक इनटू अ पर्सन, कि वो मुझे सपोर्ट करे, एंकरेज करे, मेरे डिसीजंस को रिस्पेक्ट करे। अच्छा अगर मैं ये पूछूं कि मान लीजिए मतलब कोई भी एक्स वाई जी पर्सन है, राइट, अगर अगर आप 2x अमाउंट कमा रहे हो, ठीक है, और वो x अमाउंट कमा रहा है, तो आप प्रिफर करोगे उसको? आई वुड से मतलब इन टर्म्स ऑफ पार्टनर, वुड यू प्रिफर? हाँ ऑफ कोर्स, राइट। आई मेंशन कि मतलब मॉनेटरी टर्म्स में मेरे को पता है कि मुझे जो चाहिए ना अल्टीमेटली आई विल गेट देयर, मे बी आज नहीं कल नहीं, 2 साल बाद, 4 साल बाद, 10 साल बाद आई विल गेट देयर। जो क्वालिटीज मुझे चाहिए वो बहुत जरूरी है, क्योंकि मतलब अगर ऐसा पर्सन ही नहीं मिलता है जो आपको मतलब सपोर्ट करे तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट, राइट? एंड एज अ वुमेन तो और भी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। तो यस आई विल डेफिनेटली प्रेफर। अगर मैं इसको समराइज करूंगी, यू विल प्रेफर दैट काइंड ऑफ गाय, मतलब जो तुम्हें, तुम्हारी रिस्पेक्ट करे, तुम्हारे डिसीजन की रिस्पेक्ट करे, तुम्हें सपोर्ट करे, राइट? और जो तुमने क्वालिटी मेंशन करी वो होनी चाहिए। ओके, यस। तुम्हें शार्क टैंक इंडिया का बहुत मतलब फेवरेट है, राइट? जैसे तुमने बिगनिंग में बोला बहुत फेवरेट है तुम्हारा शो, तो किसको प्रेफर करोगे, कौन फेवरेट है? यार दोनों ही फेवरेट है मेरे तो इनमें, बट हाँ विनीता आई विल प्रेफर। अच्छा ऐसा क्यों? इंस्पिरेशन फॉर मी। अच्छा लेकिन ऐसा क्यों, जब अश्विनी ग्रोवर थे, जब पहले सीजन में अश्विनी ग्रोवर थे, तो जो आपका शो का टीआरपी था वो बहुत ज्यादा था कंपैरेटिवली अगर आप देखा जाए तो? एक्चुअली वो बहुत ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलते थे, इसलिए शायद टीआरपी बहुत ज्यादा था उनका, इसीलिए वो मेरे फेवरेट भी थे। काफी है और नॉलेज भी है। विनीता के भी फीडबैक बहुत अच्छे रहते हैं, मतलब इस सीजन में स्पेशली मैंने ऑब्जर्व किया है कि उनके जो फीडबैक्स रहते हैं, इवन इफ शी इज नॉट गिविंग द इन्वेस्टमेंट, उनके जो फीडबैक्स रहते हैं वो बहुत जेन्युइन रहते हैं, कि बहुत डेटा ड्रिवन रहते हैं बेसिकली, कि व्हाई इट इज नॉट वर्किंग एंड व्हाट यू शुड इंप्रूव, राइट? सही, राइट। तो मतलब अगर इन जनरल पूछूं कि अगर जो बंदा स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल रहा है तो वो ज्यादा मतलब बोल सकते हैं कि बहुत ज्यादा क्लीन है, क्लीन हार्टेड है, राइट? क्योंकि स्ट्रेट फॉरवर्ड बंदा वही बोलेगा जिसके दिल में कुछ ऐसा ना हो कि भाई मतलब मैनिपुलेशन ना हो, राइट? इन जनरल पूछ रहा हूँ मैं, तो तुम्हारा क्या पर्सपेक्टिव है कि वो बंदा ज्यादा सही रहेगा? हाँ ऑब्वियसली मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड बेटर रहता है ना, इतना शुगर कोटेड से कोई मतलब नहीं है, तभी तो इनिशियली मैंने बोला कि मेरे दोनों ही फेवरेट हैं, बट ठीक है एक को चूज करना है तो आई विल चूज विनीता। आई एम श्योर इसको तो जानते होंगे। हाँ इनका मुझे रिसेंटली ही पता, देखा मैंने एक दो रील आई थी फीड में। ओके लोगों से भी इधर उधर सुना एक दो दिन में ही, तो मुझे एक दो दिन पहले ही थोड़ा पता चला। तो 5 ऑनेस्ट व्यूज देने हैं, ठीक है, उर्फी जावेद पे, कि तुम्हारा क्या ठीक होगा? उर्फी जावेद तो मतलब तुम्हें लग गया होगा कि किस टाइप का कॉन्टेंट ये क्रिएट कर रही है, तुम्हारा क्या ठीक है उर्फी जावेद पे? यार मतलब I can't say anything, क्योंकि see इतना competition है, everybody is trying to stand out,
सो इट्स हर वे ऑफ स्टैंडिंग आउट. आई कांट कमेंट ऑन हाउ शी वॉन्ट्स टू स्टैंड आउट. सो सी रणवीर सिंह भी मतलब स्कर्ट पहन के घूमता ही था ना इनिशियली, ताकि वो स्टैंड आउट करे एक्टर्स में, राइट? क्योंकि इतनी भीड़ है, लोग अलग कैसे दिखेंगे. तो इट्स हर वे, मतलब मैं कुछ कह नहीं सकती उसमें. अच्छा चलो मैं तुमसे बोलूं कि 5 व्यूज देने हैं. वो नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव हो सकते हैं. नेगेटिव इन द सेंस कि हम नेगेटिव को मतलब इम्प्रूवमेंट के लिए बोल रहे हैं कि हाँ तुम ये चीज़ें इम्प्रूवमेंट हो सकती हैं, ये चीज़ इम्प्रूव कर सकती है और भी. तो तुम्हारे अकॉर्डिंग क्या वो 5 व्यूज होंगे? यार मैं कैसे बता सकती हूँ, हमारी इंडस्ट्री दोनों डिफरेंट है एकदम. ऐसे कोई एडवाइस मतलब ऐसा तो बता सकते हो ना कि यार मतलब ये जो कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं जो हमारी यंग जनरेशन आ रही है उसको क्या बोल सकते हैं, डाइवर्ट कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, या ये पॉजिटिव इंपैक्ट डाल रहे हैं तुम्हारे अकॉर्डिंग? नहीं, ऑब्वियसली मतलब इट इज क्रिएटिंग अ नेगेटिव इंपैक्ट, बट दिस इज नॉट द ओनली सोर्स व्हिच इज क्रिएटिंग नेगेटिव इंपैक्ट, राइट? देर आर मल्टीपल सोर्सेज. तो जिसको नेगेटिव इम्पैक्ट करना है वो मल्टीपल जो सोर्सेज से जाके मतलब हो सकता है, राइट? दिस इज जस्ट वन वे. ऐसे बहुत सारे तरीके नेगेटिव इम्पैक्ट जनरेट करने के. तो ऐसे तो हमें सारे जाके सब बंद करने चाहिए. तो आई डोंट नो. उर्फी के लिए वन लास्ट क्वेश्चन, आउट ऑफ 10 स्केल तुम लुक वाइज उर्फी को कितना पॉइंट देना चाहोगे? यार लुक वाइज तो नेगेटिव में, बिकॉज आई डोंट लाइक हर फैशन सेंस एट ऑल. बट वही है ना कि इट्स हर चॉइस, जरूरी नहीं है जो भाई माइनस में. ओके ओके, ये इंटरेस्टिंग है. 5 रेड एंड ग्रीन फ्लैग्स इन अ गाय. ये तो मैंने पहले ही बता दिया. 5 नहीं बताए थे, पर फ्लैग्स तो मोस्टली बता ही दिए. ओके सो ओके, नंबर 1 इज स्मार्ट ग्रीन. हां ग्रीन, पहले ग्रीन की बात कर लेते हैं. हां ठीक है. नंबर 1 इज स्मार्ट, फिर सेकंड इज इमोशनल, थर्ड इज सपोर्टिव, फोर्थ इज केयरिंग, एंड फिफ्थ इज ह्यूमरस. ये 5 ग्रीन फ्लैग्स. अब रेड फ्लैग्स की बातें कर लेते हैं. रेड फ्लैग्स, ओवर स्मार्ट पहला तो. अब सबके पीछे ओवर मत लगा ना, सारे ग्रीन फ्लैग्स के पीछे. नहीं नहीं, और क्या हो सकते रेड फ्लैग्स, काफी सोचना पड़ रहा है. ये तो आप रियल लाइफ से भी एग्जांपल ले सकते हो. जजिंग, ज्यादा जजिंग. ओके ओके, कंट्रोलिंग. अच्छा कंट्रोलिंग से याद आया कि काफी मतलब लोगों का ये पर्सपेक्टिव रहता है कि जो नाइस गाय होता है ना, नाइस गाय इन द सेंस जो लड़की की हर बात मान लेते हैं, तो थोड़ा सा लोगों को लगता है कि बोरिंग है या इस टाइप का कुछ है ना. और जो ज्यादा कंट्रोलिंग होते हैं, मतलब मैं एक फैक्ट पढ़ रहा था, मतलब वो एग्जैक्ट आर्टिकल मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, मैं कहीं पढ़ रहा था, तो उसमें ये लिखा हुआ था कि लड़कियां रेड फ्लैग्स से ज्यादा अट्रैक्ट होती हैं. तो जैसे तुमने बोला कंट्रोलिंग, तो इसको कैसे रेड फ्लैग में, मतलब तुम्हारा क्या टेक है? यार कंट्रोलिंग इन द सेंस कि अपने हिसाब से ज्यादा चीजें करना, मतलब इट्स लाइक बैलेंस होना चाहिए चीजों का, राइट? कभी मेरी मर्जी से, कभी सामने वाले की मर्जी से, इस टाइप से बेटर रहता है. लाइक इक्वालिटी होनी चाहिए बेसिकली रिलेशनशिप में. मे बी इनिशियली कंट्रोलिंग नेचर बहुत अच्छा लग रहा हो, यू आर अट्रैक्टेड टू इट, बट फ्यूचर में वही प्रॉब्लम लगेगा. बिकॉज ये सब चीजें इनिशियली में भी अच्छी लगती है, लॉन्ग टर्म में नहीं सही लगती, राइट? राइट राइट राइट. ओके सेकंड, थर्ड वन. थर्ड वन वुड बी, थर्ड तो मैंने बता दिया था. फोर्थ वन, फोर्थ वन मतलब कुछ भी बैड क्वालिटी उठा सकते हैं. बैड क्वालिटी क्या? ड्रिंकिंग, स्मोकिंग. मतलब रेड फ्लैग मेरे लिए होगा इफ द पर्सन इज नॉट एम्बिशियस, आई थिंक. अच्छा, एंड और कोई हैबिट? हैबिट आई थिंक स्मोकिंग इज समथिंग आई डोंट लाइक पर्सनली. अच्छा, कोई कह रहे मेरे तो. अच्छा, ड्रिंकिंग इज फाइन. ड्रिंकिंग इज फाइन बिकॉज़ स्मोक, बट स्मोकिंग में पैसिव स्मोकिंग भी होती है, तो दैट आई डोंट लाइक. ओके ओके. तो मलिका, नेक्स्ट क्वेश्चन, आर यू ऑन टिंडर और बंबल? नो, मतलब कभी यूज किया है? हाँ, मतलब मैंने एक बार इंस्टॉल किया था ऐसे टाइम पास के लिए टिंडर,
बेसिकली जब जे एग्जाम्स खत्म हुए थे तो उसके बाद वाला जो टाइम होता है ना वो बहुत ज्यादा खाली होता है, कुछ था नहीं करने के लिए, तो रिजल्ट्स का वेट कर रहे थे उस टाइम. तो इंस्टॉल कर लिया था, बस दो तीन दिन चलाया देन अनइंस्टॉल. रिजल्ट नहीं आया टिंडर से. चला ही नहीं रही थी, ऐसे टाइम पास करने के लिए चला रही थी क्योंकि कुछ था नहीं करने को उस टाइम इतना. और फिर फ्रेंड्स ने भी बोला कि यार एक्सप्लोर करो, नया है ये वो. तो मैंने कहा ठीक है ट्राई करते हैं एक बार. ओके. इंस्टाग्राम, स्नैप, लिंक्डइन, फेसबुक, कौन सा फेवरेट है? फेवरेट मतलब सबकी ही जरूरत है. इंस्टा पे मैनेज मतलब किसी मैनेजर को रीच आउट तो नहीं कर सकते ना जॉब के लिए, तो चारों ही जरूरी है. मतलब लिंक्डइन इज गुड फॉर जॉब पर्सपेक्टिव, इंस्टाग्राम सोशल मीडिया के लिए मतलब एंगेज करने के लिए अच्छा है, टाइम अच्छे से मतलब कुछ सीख भी सकते हो थोड़ा बहुत वीडियोस वगैरह देख के, बाकी इंटरेक्ट करने के लिए भी अच्छा है लोगों के साथ. अच्छा कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है कि मतलब लिंक्डइन पे कोई रीच आउट कर रहा हो, मतलब उस पर्सपेक्टिव से रीच आउट कर रहा हो? जनरली क्या होता है कि हम इंस्टाग्राम पे रीच आउट कर सकते हैं राइट, लेकिन लिंक्डइन पे दूसरे पर्सपेक्टिव से रीच आउट कर रहा हूँ कि यार विल यू बी माय फ्रेंड और समथिंग. मतलब आई कैन रिकॉल बहुत टाइम पहले किसी ने आई थिंक रीच आउट किया था लिंक्डइन पे. हाँ तो आई जस्ट लेफ्ट इट ऑन सीन. मतलब मेरे को याद नहीं, बहुत टाइम हो गया एक्चुअली, कॉलेज टाइम की बात है, तो इट्स बीन लाइक 3-4 इयर्स. आई कांट रिकॉल एक्चुअली. एकदम मेरे ख्याल से जब कॉलेज की बात है तो एकदम क्या रिएक्शन था? मतलब आई लेफ्ट इट ऑन सीन, कुछ रिप्लाई नहीं किया मैंने. एंड स्नैपचैट तो मेरे को एकदम यूजलेस लगता है, मतलब स्नैपचैट का कोई यूज ही नहीं लगता कि डेली आप स्नैप भेजो. क्या बोलते हैं स्ट्रीक होता है ना, स्ट्रीक मतलब इतना कंसिस्टेंसी होती लाइफ में तो बात ही क्या होती. इतनी कंसिस्टेंसी से डेली एक क्वेश्चन लगा लेते तो फिर कोडिंग क्वेश्चन तो फिर क्या ही कर लेते हैं ऐसे डेली. मतलब स्ट्रीक का तो मुझे कोई सेंस ही नहीं लगता है कि क्या स्ट्रीक बनाओ डेली. हाँ वैसे सही कह रहे हो, मतलब हर एक मूवमेंट का अगर हम कुछ कर रहे हैं उसके स्नैप भेज रहे हैं वैसे यूजलेस. मतलब मैंने ज्वाइन किया था कुछ टाइम के लिए टू मतलब ऐसे एक्सप्लोर, सब फ्रेंड्स वगैरह थे उस पे. तो उसमें कोविड के टाइम पे कोई पंखा भेज रहा है, कोई बिल्ली की फोटो भेज रहा है, कोई कुछ भेज रहा है. मैंने कहा क्या चल रहा है, मैंने अनइंस्टॉल कर दिया. अगर कोई तुम्हारा देखे कि सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड तुम कौन से वाले प्लेटफॉर्म पे कर दो, लिंक्डइन या इंस्टाग्राम? मतलब डिपेंड्स ऑन टाइम टू टाइम. जब जॉब सर्च वगैरह कर रही थी, स्विच की ट्राई कर रही थी, उस टाइम लिंक्डइन वाज मेजरली लाइक मैं यूज करती थी. एंड अभी तो इंस्टाग्राम मोस्टली यूज करती हूँ क्योंकि उसमें कंटेंट वगैरह भी थोड़ा बनाती हूँ. एंड लिंक्डइन पे भी बीच में मैंने लिंक्डइन का ऑन ऑफ रहता है, मतलब कभी आई विल राइट पोस्ट एंड कभी आई विल नॉट राइट, मतलब डिपेंड्स ऑन द टाइम आई एम गेटिंग आफ्टर जॉब राइट. एंड फेसबुक तो बहुत टाइम हो गया चला हुआ है, फेसबुक तो कॉलेज में ही थोड़ा बहुत चलाते थे. नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट ओवररेटेड इंडियन इन्फ्लुएंसर. मतलब माय पर्सनल ओपिनियन, बट आई फाइंड मोस्टली सीन कंटेंट लिटिल बट यूजलेस आई थिंक, क्योंकि मतलब आई डोंट फाइंड हर कंटेंट फनी एट ऑल. मतलब मेरे को तो फनी नहीं लगता वो किसी एंगल से, एंड आई डोंट नो, बट मेरे को अच्छा नहीं लगता वो कंटेंट. एंड इट्स लाइक ओवररेटेड फॉर मी कि why even someone is like watching, why so many views of just this. काफी views आते हैं लोग, मतलब my personal opinion maybe किसी को अच्छा लगता हो content, I don't know right. Right. अच्छा mostly सिंह को कोई advice देनी हो यार, तुम ये वाला content बनाते हो, अगर इसको बनाओगे तो ज़्यादा सही रहेगा, ज़्यादा entertaining रहेगा. I will only say good luck, keep making that content only because she is anyways like very popular and she is getting views on that content and she is like she met Michelle Obama and for women also I think she is like she goes for conferences and all, she is like she is doing pretty good. So I'll ask her to continue what she is doing. Okay. Boyfriend या best friend? Best friend. अच्छा लोग इतना प्रेफर क्यों करते हैं बेस्ट फ्रेंड को? बेस्ट फ्रेंड से दो मतलब निकल जाते हैं. मतलब बेस्ट फ्रेंड में ये होता है ना, चिल रहता है, सीरियसनेस नहीं रहती है, मस्ती मजाक घूमना फिरना. बॉयफ्रेंड में थोड़ा सीरियस हो जाता है तो बेस्ट फ्रेंड. अच्छा तुम ये मानते हो कि अगर बेस्ट फ्रेंड वाली फ्रेंडशिप है तो अगर आगे जाके कैरी फॉरवर्ड होके वो मतलब नेक्स्ट बॉयफ्रेंड होता है या हाफ बॉयफ्रेंड होता है, तुम्हारा पर्सपेक्टिव क्या है इस पर? हाँ बॉयफ्रेंड बनने के लिए फर्स्ट यू हैव टू बी द बेस्ट फ्रेंड, देन यू ओनली क्वालिफाई एज अ बॉयफ्रेंड राइट. तो हाँ मतलब यस, बॉयफ्रेंड बनाने से पहले बेस्ट फ्रेंड होना बहुत अच्छी चीज है.
सारे बेस्ट फ्रेंड अब खुश हो रहे होंगे बहुत ज्यादा। हाँ बट बेस्ट फ्रेंड्स को ये नहीं समझना चाहिए कि हाँ उनका चांस है वो बॉयफ्रेंड बन सकते हैं, बेस्ट फ्रेंड तो बन ही गए हैं तो बॉयफ्रेंड भी बन ही जाएंगे, तो वो ही गलत थिंकिंग है। अच्छा चांस भी नहीं समझना चाहिए कि मेरा आगे कोई स्कोप है नहीं है। नहीं, नहीं मतलब दे शुड बी क्लियर पहले से ही। वैसे लड़कियों का सही है ना मतलब जल्दी फीलिंग्स नहीं आती। हाँ बट लड़कों का गलत भी बहुत जल्दी फीलिंग आ जाती है। हाँ मल्लिका ने पहले ही क्लियर कर दिया बेस्ट फ्रेंड को। ओके खतरनाक क्वेश्चंस। कितना पूछोगे आज? What's the most embarrassing thing that ever happened to you? मेरी एक बार ऑफिस में सैंडल खराब हो गई थी तो दैट वाज लाइक मोस्ट एम्बैरेसिंग। मैं पूरा एक जोन रूम में थी, जोन रूम से अपनी सीट तक वैसे गई मतलब कंसीडरिंग कोई देख ना ले, एंड देन फिर मैंने अपने एक फ्रेंड को बोला कि फेविक क्विक ले आओ नीचे से, तो देन आई गॉट इट फिक्स्ड और तब तक मैं उठी नहीं अपनी सीट से बिल्कुल भी। अच्छा अपार्ट फ्रॉम क्वालिटीज जैसे तुमने बहुत बारे बताया भी मेंशन भी करा कि ये क्वालिटीज, व्हाट फिजिकल फीचर दैट यू नोटिस्ड इन अ पर्सन लाइक हाँ भाई मतलब अगर इन जनरली बोलूं कि भाई क्या अट्रैक्ट करता है अगर फिजिकल टर्म से बात करूं तो इन अ गाय मतलब लुक्स ठीक ठाक होने चाहिए, नॉट मतलब बहुत ज्यादा हैंडसम नहीं बट हाँ ठीक ठाक वर्क्स फॉर मी। अच्छा जैसे तुम कानपुर से आते हो ठीक है, इंजीनियरिंग में हम दिल्ली थे फिर उसके बाद बैंगलोर राइट, तो मतलब दिल्ली में थी पहले फिर हैदराबाद में हूँ अभी। अच्छा हैदराबाद ओके, तो तुमने मतलब कानपुर के बाद दोनों मेट्रो सिटीज देखी ठीक है, ऑल्दो अब कानपुर भी मेट्रो सिटी है वहां पे भी मेट्रो है, तो मतलब क्या चीजें नोटिस करी अगर कंपैरिजन किया जाए कानपुर से कि यार कानपुर में ये चीज कहीं ना कहीं कानपुर इस चीजों में ज्यादा लैग कर रहा है, मतलब क्या नोटिस करी या दिल्ली लैग कर रहा है या मतलब जैसे अब हैदराबाद में हो तो तीनों में क्या अगर कंपैरिजन करा जाए तो? मतलब तीनों के अपने ही प्रोज एंड कॉन्स हैं ठीक है। अच्छा कॉन्स क्या है? सो पहले कॉन्स किसके पहले बताऊं? दिल्ली और हैदराबाद के। दिल्ली का कॉन है कि भीड़ बहुत है उधर अभी ठीक है, फिर प्लस पॉल्यूशन मेन कॉन, मतलब वहां रहने के हिसाब से बता रही हूँ कि इफ यू आर लिविंग इन दिस इन दैट सिटी तो क्या उसके कॉन्स है, तो पॉल्यूशन है ठीक है, थोड़ा एग्रेसिव है लोग ठीक है। अच्छा हाँ, और जैसे हैदराबाद में रह रहे हो तो बट हाँ तो कॉन्स बोल रहे ना, तो हैदराबाद में कॉन्स तो ऐसा कुछ नहीं है बट आस पास यहाँ घूमने का उतना नहीं है, ये मेरा पर्सनल कॉन है कि यहाँ पे आस पास जैसे दिल्ली से होता है कि वन नाइट में आप काफी जगह एक्सप्लोर कर सकते हो, जयपुर चले जाओ ठीक है, फिर वीकेंड गेट अवेज में हिमाचल मनाली मसूरी एंड मतलब काफी ज्यादा, एंड फ्लाइट्स भी सारी मोस्टली दिल्ली से जाती ही है ठीक है। अब जैसे हैदराबाद में जाना हो तो आस पास कुछ नहीं है, प्लस हर जगह के लिए फ्लाइट लेना पड़ेगा, एंड अगर कहीं मतलब दिल्ली से ही कनेक्टिंग होती है मोस्टली फ्लाइट्स, तो एक प्रॉब्लम मेरा पर्सनल प्रॉब्लम है वो। बाकी रहने के हिसाब से आई पर्सनली लाइक हैदराबाद अलॉट, यहाँ पे पॉल्यूशन भी कम है, पीपल आर वेरी गुड मतलब नेचर वाइज वेरी गुड वेरी हेल्पफुल। अच्छा कंपैरेटिवली अगर देखा जाए जैसे क्या होता है कि हम जब कॉलेज में भी होते हैं और फिर हम जैसे कॉर्पोरेट में जाते हैं तो पीजी फ्लैट्स अगर देख रहे होते हैं राइट, तो मतलब जैसे तुम दिल्ली में भी रहे हो और फिर अब हैदराबाद में हो, तो कंपैरेटिवली अगर देखा जाए कि लिविंग कॉस्ट अगर कंपैरिजन किया जाए तो वो दोनों में कंपैरिजन करके बता दो। तो दिल्ली में ना मैं कॉलेज में तो हॉस्टल ही प्रोवाइड होता है राइट, फिर मैं जब सैमसंग में थी आई वाज इन नोएडा, तो नोएडा में इट वाज प्रिटी चीप लाइक कंपेयर टू हैदराबाद, तो उस टाइम पे काफी कम था, अभी मतलब उस टाइम कोविड का टाइम भी था तो उस टाइम और कम हो रखा था ठीक है। उसके बाद आई डोंट नो अभी क्या प्राइसिंग होगी, बट अभी जैसे मेरा एक रूम का जो रेंट है उसमें वहां पे पूरा फ्लैट मिल जाता था, तो इतना डिफरेंस था। हैदराबाद में तो इट्स वेरी एक्सपेंसिव एंड इट इज इंक्रीजिंग अ लॉट, बट आई थिंक दिल्ली में भी अगर आप गुड़गांव साइड रहोगे तो वहां बहुत एक्सपेंसिव है अभी। अगर मतलब किसी पर्सन को जैसे मान लो तुम ही जैसे मान लो हैदराबाद में रह लो तो अगर एग्जैक्ट अमाउंट में पूछूं तो कितना है, मतलब 2 BHK में रह लो मतलब कितना रेंट दे रहे हो? आई एम लिविंग इन 3 BHK, तो 3 BHK का अराउंड अभी रेंट चल रहा है आपका 60 स्टार्टिंग है, बाकी इट इज गोइंग टिल 85-90 मतलब देयर इज नो लिमिट करेंटली। हां मतलब शेयरिंग में मतलब 20 के अप्रॉक्स पड़ जाता होगा राइट?
ओके ओके पीजीज में इफ यू आर टेकिंग अ सिंगल रूम इट विल टेक लाइक कॉस्टिंग यू अराउंड 20 ओके नेक्स्ट क्वेश्चन हैव यू एवर एक्सीडेंटली टेक्स्टेड द रॉन्ग पर्सन समथिंग एंबैरेसिंग एक्चुअली अभी कल ही हुआ था तो आई वाज टेक्स्टिंग माय फ्रेंड की इधर आ तो उसकी जगह मैं किसी से मतलब आई वांटेड टू परचेज वॉशिंग मशीन तो मैं किसी से डिस्कशन कर रही थी तो मैंने उनको मैसेज कर दिया इधर आ फिर उसके बाद मैंने वो डिलीट किया तुरंत तो दैट वाज द मोस्ट रीसेंट ओके व्हाट्स द क्रेजीएस्ट थिंग यू हैव एवर डन टू इंप्रेस समवन यू लाइक्ड मतलब आई हैवंट मेड एनी एफर्ट्स एज सच आज तक इतना तो अच्छा बिना एफर्ट्स के पर्सन मिल जाता है क्या लड़कियों को तो यार मिल ही जाता है लड़के एफर्ट्स डालते हैं मोस्टली कॉलेज में देखो ना इंजीनियरिंग में कितना रेशियो डिफरेंस होता है 1:10 1:15 का रेशियो होता है गर्ल्स और बॉयज का तो आई डोंट थिंक गर्ल्स को इतना एफर्ट या कुछ क्रेजी करना पड़ता है इम्प्रेस करने के लिए किसी को तो तुमने कभी नहीं किया नहीं आई डोंट थिंक ओके What's the silliest thing you have ever done as a kid that you still remember? As a kid? Yes. Actually, silliest? Matlab, I don't know. But someone was saying something about my father, then I got angry and I threw stone, which I think like I shouldn't have done. But I'm very like defensive when it comes to my parents. Okay, okay. Most used emoji on your phone? This one. This is my most used emoji. Okay. Any hidden talent? Dance mat bolna. Dance to hidden nahi hai yaar. I think it's still hidden. Abhi tak mere ko bhi nahi malum hai. Koi to hoga. Janta janna chahti hai. Thought I'll be terrible at cooking, but I have recently started. So, but I'm pretty good at it now. अच्छा I don't like it but I'm good at it मैगी बनाना को तो नहीं बोल रहे ऐसा मतलब एक साल पहले तक मुझे भी मैगी ही बनाना आता था बस तो मैंने हैदराबाद आके काफी कुछ सीख लिया अब अच्छा ओके तो लास्ट मैसेज जो व्यूअर्स हैं जो देख रहे हैं उनके लिए क्या एडवाइस होगी एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर एज एन एचडी एट माइक्रोसॉफ्ट ऑल्दो हमने माइक्रोसॉफ्ट की इतनी सारी बातें नहीं करी हमने पर्सनल लाइफ से ज्यादा बातें करी कोई एक मैसेज मतलब अभी इतना कॉर्पोरेट का एक्सपीरियंस भी है राइट उससे रिलेटेड एक मैसेज और इन जनरल लाइफ के बारे में एक मैसेज ओके सो फॉर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स आई वुड से कि डोंट रन आफ्टर फांग और मांग फर्स्ट गेट अ गुड जॉब ओके सबसे पहले वो ही इम्पोर्टेंट है देन एम अबाउट गेटिंग सो देन इट बिकम्स इजियर फॉर यू राइट जब आप उस जगह पहुंच जाते हो इफ यू आर ऑलरेडी अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर देन आपके लिए रास्ते तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं आई होप अगर आप यहाँ तक इस वीडियो तक आए हो इस ड्यूरेशन तक आए हो आई वुड से तो आपको मल्लिका के बारे में काफ़ी चीज़ें जानने का मौका मिला होगा माइंडसेट के बारे में जानने का मौका मिला होगा और मैं मतलब ये मानता हूँ कि हम काफ़ी सारे पॉडकास्ट कर रहे थे प्रिपरेशन से लेकर लेकिन हमारी एक प्रोफेशनल लाइफ से एक अलग हटकर लाइफ होती है जहाँ हमारा 50-60% जीवन जा रहा होता है राइट तो मेरा पर्सपेक्टिव ये था कि मल्लिका की लाइफ के बारे में हम जाने उनके इंटरेस्ट के बारे में जाने उनके हॉबीज़ के बारे में जाने और इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं आई होप आपको मज़ा आया होगा और मल्लिका के जो सोशल हैंडल्स हैं मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं आप जाकर उनको फॉलो कर सकते हैं वो भी बहुत अच्छा कंटेंट बनाते हैं पोस्ट करते हैं इंस्टाग्राम पे इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं लाइक करना शेयर करना कमेंट करना और बताना कि ये वीडियो कैसी लगी तो सी या हैव अ गुड डे बाय बाय शबा खैर थैंक यू सो मच मल्लिका आपने मेरी स्टडी में टाइम दिया थैंक यू